हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू आर डूइंग वेल। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देते रहता हूं। साथ ही किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार या पीएचडी एडमिशन की फॉर्म निकलते हैं, तो इस सभी से रिलेटेड अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। सो गाइज, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइज, एनटीए की तरफ से यूजीसी नेट को लेकर के जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज किया गया था, इसके अकॉर्डिंग कितने परसेंट रिजल्ट डिक्लेयर होगा यूजीसी नेट का इस सेशन में? बिकॉज दोनों सेशन मर्ज किए जा चुके हैं, जो दिसंबर वाला सेशन था 2021 का और जो आपका जून 2022 का सेशन है, इन दोनों को मर्ज किया गया है। तो इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अकॉर्डिंग कितने परसेंट रिजल्ट ये लोग डिक्लेयर करेंगे? 6% रहेगा या 12% रहेगा? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है हर बार कि अगर सेशन मर्ज हुए हैं तो कितने परसेंट रिजल्ट रहेगा। तो गाइज, अगर हम इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अकॉर्डिंग देखें, जो जो कि एनटीए ने ही इशू किया था, दिस इज द ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसमें देखो साफ साफ लिखा हुआ था कि जो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा उसका क्या क्राइटेरिया फॉलो किया जाएगा। सो यहाँ पर स्टेप नंबर वन में द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी क्वालिफाइड टोटल स्लॉट्स फॉर एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर शैल बी इक्वल टू 6% ऑफ द कैंडिडेट्स अपियर बोथ द पेपर्स ऑफ द नेट। तो गाइज, यहाँ पर जो आप पेपर वन पेपर टू दोनों का मिला करके जो आपका स्कोर बनेगा, उस स्कोर के बेस पे टॉप 6% जो स्कोरर होंगे उनको नेट का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अकॉर्डिंग साफ साफ क्लियरली लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप लोग 12% की डिमांड नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी एनटीए ने पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया कि भाई हम 6% रिजल्ट ही डिक्लेयर करने वाले हैं, इसी क्राइटेरिया को फॉलो किया जाएगा। इसके अलावा जो स्टेप नंबर टू है, इसमें बोला गया था दैट टोटल स्लॉट्स शैल बी एलोकेटेड टू डिफरेंट कैटेगरीज एज पर द रिजर्वेशन पॉलिसी। तो जो आपका 6% रिजल्ट है ये कैटेगरी वाइज रहता है, जनरल का 6% रहेगा। ऐसे ही अगर ओबीसी में अगर आप बिलोंग करते हो तो ओबीसी में जितने भी स्टूडेंट्स, सपोज करो 1000 स्टूडेंट्स ने अपियर किया ओबीसी कैटेगरी से, तो इसका 6% कितना हो जाएगा? इसका 6% हो जाएगा 60। इसका मतलब 60 स्टूडेंट्स को मिल जाएगा नेट का सर्टिफिकेट। तो ये कैटेगरी वाइज रहने वाला, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी कैटेगरी में टॉप 6% को मिलेगा नेट का सर्टिफिकेट। क्लियर हो रहा है? इसके अलावा गाइस, जो टॉप जो इसमें स्टेप नंबर थर्ड है, इसमें एक बात और बोली गई है और इसको मैंने पहले भी बता दिया था, मैं दोबारा से बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको बोथ दी पेपर्स, मतलब पेपर पेपर टू दोनों में आपको मिनिमम एटलीस्ट 40% स्कोर करना ही पड़ेगा एज ए जनरल कैटेगरी, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 35% स्कोर करना पड़ेगा। दिस इज द मिनिमम स्कोर, आपको इतना स्कोर करना ही करना है। 40% स्कोर कर लिया, इसका मतलब ये हो गया कि अब आपका लिस्ट में नाम आ चुका है, अभी आपने इस एग्जाम को मिनिमम जितने मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं उतने आपने लेके आ गए हो। अब लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया, 40% आने के बाद आपका लिस्ट में नाम आएगा और उस लिस्ट में जो टॉप के 6% बच्चे होंगे, जो स्टार्टिंग के टॉप 6% स्कोरर होंगे, इनको नेट का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, बाकी सबको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो गाइज, इस लिस्ट में आने के लिए, जिस लिस्ट में से 6% का रिजल्ट निकाला जाएगा, इस लिस्ट में आने के लिए भी आपको 40% मिनिमम स्कोर करना ही पड़ेगा। तो ये चीज है, आप ध्यान रखिए, पेपर पेपर टू दोनों को मिला करके आपको मिनिमम 40% लाने प्लस टॉप 6% में भी आना पड़ेगा, तब जाके आपको नेट का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इस बार कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि 6% रहेगा 12% रहेगा, स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि 6% रिजल्ट ही डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, नाउ गाइस, दोनों सेशन मर्ज हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इस बार कंपटीशन भी अच्छा खासा रहने वाला है, बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफी ज्यादा हो चुके हैं। तो बस आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दो, जितना आप स्टडी करेंगे, जितने अच्छे से आप स्टडी करेंगे, चीजों को रिवाइज करेंगे, उतने ज्यादा चांस हो जाएंगे आपके टॉप 6% में आने के। तो बस लग जाओ, बिकॉज आप ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 30 डेज बचे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपके पास सिर्फ 1 महीना बचा है, 1 महीना या हम कह सकते 35 डेज इतने ही बचे हैं, इससे ज्यादा दिन नहीं है आपके पास। तो अगर आप इतने दिन बचे हो और इतने दिन में अगर आप लग जाते हो, अच्छे से पढ़ लेते हो, चीजों को कवर कर लेते हो, रिवाइज कर लेते हो, तो गाइज बिलीव मी, इतने दिन में भी नेट का एग्जाम क्रैक किया जा सकता है। बट द थिंग इज कि आपको डेडिकेटेड तरीके से सुबह शाम लगना पड़ेगा, और जब आप लग के पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली इस मिनिमम टाइम में भी आप अचीव कर सकते हैं इस एग्जाम के रिजल्ट को। इसके अलावा गाइज, जो लास्ट के डेज होते हैं 30 डेज, यही मैटर करते हैं। अगर आप पिछले 1 साल से पढ़ाई कर रहे हो और लास्ट के 30 डेज पढ़ाई नहीं करी
तो आपके एग्जाम क्रैक करने के चांस काफी कम हो जाएंगे। और पिछले एक साल से नहीं पढ़ रहे थे और 30 डेज में आपने ढंग से पढ़ाई कर ली, अच्छे से पढ़ाई कर ली, कवर कर लिया, रिविजन कर ली, तो गाइज आपके चांस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए लास्ट के जो 30 डेज हैं इसमें लग जाओ अच्छे से, स्टार्ट कर दो अपनी प्रिपरेशन। गाइज हमने यूजीसी नेट मेंटोर ऐप पे 30 डेज का क्रैश कोर्स अवेलेबल करवाने का कंप्लीट यहाँ पर आपको प्लान अवेलेबल करवा दिया है। इस ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इस ऐप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे आपको पेपर वन के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे जिनकी 30 to 40 minutes की है, बहुत बड़े बड़े लेंथ भी के लेक्चर्स नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर यूनिट वाइज आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, प्लस पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल मिल जाएगा ताकि आप प्रैक्टिस भी अच्छे से कर सकें। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।